अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? और आप सबके तो हाल ठीक हो गए, लेकिन मेरा जो हाल है वो ठीक नहीं है। मेरी तबीयत जो है वो 3 दिन से ख़राब है। बुखार है और खांसी और गला भी दर्द कर रहा है। तो मैं अभी आई हूँ कोरोना का टेस्ट करवाने, देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। हेलो फ्रॉग, मामा शीटर। यहाँ पे मेरे जो है वो टेस्ट होने वाला है, तो हम अपनी पारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे पास से जा ही नहीं रहा। बेटा, लेकिन रमजान में डांस नहीं करेंगे ना? मामा, ओनली वन। बेटा नहीं, अच्छी बात नहीं होती। ये तो ओनली वन। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, आई वांट टू चैट। चीता का देखें जी, आज तीसरी सहरी है और बाहर जो है वो इतनी धुंध है, कुछ नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट रमज़ान के बाद ही जो मेरी तबीयत थी वो रोज़ा खोलने के बाद वो मुझे लगा कि मुझे बुखार हो रहा है, तो वो मेरी तबीयत ख़राब मुझे लगी और 2 दिन जो थे वो मुझे लगा कि बुखार है और गला ख़राब है। पहले मेरा गला ख़राब हुआ था, तो ऐसे ही शायद है बुखार, थकावट हुई होगी, तो मैंने उसको इतना सीरियस लिया नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो टेस्ट करवाया तो वो फिर जो था वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये था कि 3 दिन जो था मुझे बहुत तेज़ बुखार रहा। लेकिन आपको पता है कि जब आप फैमिली के साथ होते हो और बच्चों के साथ होते हो, तो आप कितना बाहर से मंगवा कर खा लोगे। तो फिर मैंने जो था वो डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपके घर में सब लोग हैं वो भी सब आपके साथ एक्सपोज हैं, उनको में भी कुछ ना कुछ जर्म्स हैं। तो मेरा इस तरह प्रॉपर क्वारंटाइन करना बनता नहीं था कि मैं कमरे में बैठी रहूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब निकलना चाहिए और बच्चों के लिए जो है वो खाना बनाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से वो बाहर से ही खाना खा रहे थे। फिर मैंने बस एक दिन ये किया कि सोचा कि कढ़ाई बना लेती हूँ, और ये जो आहत के लिए साथ मैं हमेशा ही करती हूँ कि जब भी मैं कोई गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो उसकी यखनी ज़्यादा बनाकर, तो मैं उसका पानी और उसकी बोटियाँ निकाल के हमेशा उसके लिए उसमें रोटी या चावल डाल देती हूँ ताकि वो भी खा लें। बस मैंने ये सोचा कि अब ग्लव्स और मास्क के साथ ही टाइम गुजारा जाए, क्योंकि खांसी बहुत थी, तो छोटे बच्चों को तो वैसे ही जर्म्स जो है वो बहुत जल्दी वो कैच करते हैं। तो मैंने फिर इस तरह एहतियात की और जो अपने घर के सारे काम थे वो मास्क के साथ और ग्लव्स के साथ किए, जिसमें मैंने भी मेरी बहुत हेल्प की बच्चों को खाना वाना खिलाने में। उमेर ने भी एक दिन टेस्ट किया, क्योंकि उमेर का भी जिन दिनों मुझे बुखार था, उमेर का भी सर जो था वो भारी था और उमेर के सर में भी काफ़ी दर्द होता था। लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस के साथ साथ बच्चों को भी देखा, क्योंकि मेरी जो स्टार्ट के 3 दिन में तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने फिर सोचा कि चलो कढ़ाई बनाते हैं, तो मैंने कढ़ाई उमेर के लिए बनाई और कढ़ाई के साथ मैंने थोड़ी सी इनको अफ्तारी भी बना दी थी। जो घर के जितने भी काम थे वो ग्लव्स में ही किए 7-8 दिन। बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आदत नहीं होती, तो वो हाथ जो थे वो अंदर से ऐसे अजीब से वाइट वाइट और मोटे मोटे से निकलते थे। लेकिन क्या करते हैं, जितनी एहतियात इंसान कर ले वो अच्छा है, ताकि घर के बाकी लोगों का भी जो है वो केयर रहे और उनकी भी सेहत जो है वो ठीक रहे। स्वीट योगर्ट, कम 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 फास्ट। नहीं, आहत का नहीं, ये आपका है। ये लो, अच्छा ये लो हटा दीजिए। आपका फेवरेट योगर्ट है बेटा? नो नो क्या किया? कुछ नहीं, साले साथ दही मीठा लगा दिया। हाँ, सॉरी लगा था। और क्या करना था?
अच्छा डाल दिया गलती से हो गया ये लो। वो ये बोटी खाएगी रोटी के साथ और उसके बाद वो मीठा ये लो हटा दिया गलती से। मैं ही हमेशा बच्चों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन वरीशा मेरे ग्लव्स की वजह से मुझसे खाना नहीं खाई थी, तो उमैर ने कहा कि वो वरीशा को खाना खिला देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सालन और रोटी को मिक्स किया और उसके बाद उसको मीठे दही में डाल दिया, तो वरीशा जो दही है वो बाद में खाती है। तो वरीशा ने चीखें मारने लग गई और मुझे इतनी हंसी आई कि उमैर को जो है वो नहीं पता था कि वो कैसे खिलाना है। उन्होंने मीठे ही दही में सालन और रोटी को मिक्स करके उसको देने की कोशिश की, तो उसको जो है वो पता चल गया। मैं ऑफिस होता था और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पा रही थी, तो फिर वरीशा जब मैं बाहर आई और मैंने इस तरह काम करना शुरू किया, तो वरीशा ने कहा कि मामा आज वो अफजा जो है वो बाबा के लिए है, मैं बनाऊंगी। तो फिर वरीशा को मैं कुछ छोटे मोटे इस तरह के काम देती हूँ ताकि वो उसको मज़ा आता है, वो शौक़ से करती है। तो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी रह हो जाती है और वो कार्टून से निकल कर भी कुछ काम कर लेते हैं। तो वरीशा अब डेली बड़े शौक से रूह अफ़ज़ा जो है ना वो बनाती है हम सब के लिए। अफ्तारी का जो है वो टाइम जो है वो बस हो गया, तो मैं डाइनिंग पे जो थी वो चीज़ें लगा रही थी। मैंने क्योंकि मेरे रोज़े नहीं थे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उमैर के लिए ही बनाऊं और मुझसे ये सब चीज़ें जो थी वो नहीं खाई जाती थी, तो बस मैंने इतनी ही अफ्तारी बनाई कि उमैर ही खा सकें वो। मैंने अफ्तारी के साथ उमैर के लिए जो था ड्रैक खाना भी लगा दिया था ताकि खाना भी वो साथ ही खा लें। और ये है हमारी मटन कढ़ाई, तो मैं बस उमैर को यहाँ बोल रही थी कि मैं आपके लिए मिल्कशेक भी बनाती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस ये मेरे लिए इतना बहुत है। अफ्तारी का टाइम बस बिल्कुल पास था और मुझे था कि सब हो जाए, और मैंने उमैर के लिए जो था वो अफ्तारी लगा दी थी। और उमैर जो है वो अरबिक ब्रेड ही खाते हैं ज़्यादा शौक से खुब्ज, और वरीशा भी, तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई थी, मैंने इन लोगों को खुब्ज ही दी थी और फिर मिलके हम सब ने अफ्तार किया। बस ये था कोरोना के कुछ दिन, मैंने कुछ दिन था जब रिकॉर्डिंग नहीं की थी, और जब ये तबीयत ठीक हुई थी तो फिर मैंने इस तरह प्रॉपर काम शुरू किया और अफ्तारी की। और कोरोना में ये है कि बुखार तो उतर जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत देर तक आपके साथ चलते रहते हैं। आप लोगों को मेरे व्लॉग जो हैं वो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।